नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेंदे के फूल से परफ्यूम बनाने का सही तरीका। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, इसके लिए आपको गेंदे का फूल ले लेना है और वाटर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि गेंदे के फूल से या कोई भी फूल से जिसका भी आपको परफ्यूम बनाना है, जिसका बढ़िया खुशबू है, आप उसका परफ्यूम बना सकते हैं। और यह परफ्यूम आप ऑल इन वन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको अगरबत्ती के लिए बनाना है तो आप इसमें DEPIL का यूज करेंगे, और अगर इससे हाई क्वालिटी बनाना है तो इसमें बहुत ज़्यादा आयल आता है, आप उसे भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे इस परफ्यूम को आप अगरबत्ती में बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगरबत्ती आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें DEPIL का ही यूज होता है। जैसे आप DEPIL लेते हैं, यह है DEPIL, और इसमें आपको परफ्यूम मिलाना होता है, और उसके बाद अगरबत्ती के जो स्टिक होते हैं इसमें आप डिप कर देते हैं। समझ में आ गया? इस आयल का नाम है DEPIL। अब इसे देखिए, एक हम मिट्टी का बर्तन में DEPIL को डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई भी बर्तन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी का बर्तन यूज करेंगे तो इसमें एक बहुत बढ़िया खुशबू आएगा मिट्टी का। समझ में आ गया? तो आप मिट्टी के बर्तन से ही बनाइए, बहुत बढ़िया बनेगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने कुकर में गेंदे के फूल को और पानी को डालकर उबाल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा थोड़ा यह गर्म हो गया है, तो और इसे हम गर्म होने देते हैं। अब ये देखिए, गर्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यह खौल रहा है। अब यहाँ से हम पाइप के द्वारा उस मिट्टी के बर्तन में इसका भाप को ले जाएंगे। समझ में आ गया? यह जो गेंदे का फूल और वाटर हमारा खौल रहा है, और यहाँ पर देखिए उसका भाप निकलना स्टार्ट हो गया। देखिए, समझ में आ गया? आपको पानी और जिस भी आपको फूल को परफ्यूम बनाना है वो आप दोनों ले लीजिए। मात्रा आप इतना लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने अगर 1 kg गेंदे का फूल लिया है या गुलाब का, तो आप उसमें 500 ग्राम वाटर यूज करेंगे, जिससे बढ़िया से वह फूल और पानी बढ़िया से खौल सके। समझ में आ गया? और उसका देखिए भाप बन रहा है, तो अभी यह खुशबू वाला भाप नहीं है, अभी यह गर्म हुआ है, तो अभी यह पानी का भाप निकल रहा है। लेकिन जैसे जैसे यह ज़्यादा गर्म होगा, वैसे वैसे इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वह फूल अपना खुशबू उसमें छोड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा भाप निकलने लगा, अब इसमें खुशबू आने लगा है। अब इसे हम इस मिट्टी के बर्तन में इस भाप को हम डालेंगे, और मिट्टी के बर्तन को हम पानी में डाल देंगे, क्योंकि यह भाप आएगा तो यह बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और भाप जब उसमें ठंडा होकर वाटर बन जाएगा तभी उसका खुशबू DEPIL में मिक्स होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसे हम बढ़िया से सील कर देंगे। देखिए, आप जब अगर बनाएंगे तो इस मिट्टी के बर्तन को आपको पूरा डुबाना है। समझ में आ गया? इसका बस ऊपर का हिस्सा, जो इसका मुंह है, वही बस बाहर रहे, और इसका पूरा पानी में डूबा रहेगा, तो बहुत बढ़िया खुशबू बनेगा। आप इसे बढ़िया से देखिए सील कर देंगे, जिससे इसमें से कोई भी भाप बाहर ना निकले, और यह जब पानी में डूबा रहेगा तो जो भी फूल का भाप आएगा वह इसमें ठंडा होकर वाटर बनता जाएगा, और उसका जो खुशबू है वह DEPIL में मिक्स होता रहेगा। देखिए, अब यह गर्म हो रहा है, तो इसे हम गर्म करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा हीट नहीं रखना है और बहुत धीमा भी नहीं, मीडियम हीट आपको रखना है,
जिसे आप बढ़िया से खौलें, उबले और उसके बाद उसमें से जो खुशबू है भाप बनकर इसमें आएगा मिट्टी के बर्तन में, जिसमें हमने DEPIL का यूज किया है। अगरबत्ती के लिए यह परफ्यूम बहुत बढ़िया है। अगर आपको इससे हाई क्वालिटी बनाना है तो आपको बहुत ज़्यादा आयल मिल जाएगा, उससे आप बना सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो आप जब भी बनाएंगे तो इसे पूरा पानी में डुबा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भाप आ रहा है, और वो अगर पूरा पानी में डूबा रहेगा, ठंडा होता रहेगा, तो बहुत बढ़िया परफ्यूम बनेगा। और अगर पूरा नहीं पानी में डूबा रहेगा तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो यहाँ से लीक करके वह भाप बाहर निकलता रहेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए आपको जब भी बनाइए तो आप इसे पूरा पानी में डुबा दीजिए। आपको सिस्टम यही बनाना है। यहाँ पर आपको एक कॉपर का पाइप ले लेना है, एक आपको कुकर ले लेना है, या आपके पास कोई भी बर्तन हो जिसमें आप फूल को उबालें और इस पाइप के द्वारा आप दूसरे बर्तन में उसको भाप को ले जाएं। आप अपने जुगाड़ से बना सकते हैं। अगर आपको इसे बड़े पैमाने बनाना है तब भी आप बना सकते हैं। देखिए आप जब भी बनाएंगे इस तरीके से परफ्यूम, तो आपको उसे 2 से 3 घंटे तक उबालना है। समझ में आ गया? लेकिन मैं यहाँ पर आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा समय नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसे 30 मिनट तक उबाला है। अब देखिए यहाँ पर ठंडा हो गया है, अब इसे हम निकाल के देखेंगे। आप इसे 2 से 3 घंटे तक उबालेंगे और आप इसे 1 दिन के लिए अगर छोड़ देंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। समझ में आ गया? जिससे उसका जो भी खुशबू है वह इस आयल में, DEPIL में बढ़िया से मिक्स हो जाए। देखिए यहाँ पर इस आयल का कलर भी बदल चुका है। समझ में आ गया? जैसे आप 2 से 3 घंटे तक इसे उबालिए और 1 दिन के लिए इसे छोड़ दीजिए, इसी तरीके से जैसे ये सील है इसी तरीके से आप छोड़ देंगे, तो इसमें का जितना भी खुशबू है वह बढ़िया से इस आयल में मिक्स हो जाएगा, DEPIL में। देखिए अभी अब फूल पूरी तरह से उबला नहीं है, क्योंकि मैंने इसे 30 मिनट तक ही उबाला है। आप इसे जब भी बनाएंगे तो आप 2 से 3 घंटे तक इसे उबालिए। अगर आपको कुछ भी पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इस आयल को हम बाहर निकालेंगे। देखिए अब आप इसे ध्यान से देखिए, जो हमारा ऊपर है वह है हमारा DEPIL, उसमें इसका खुशबू मिक्स हो गया है, और जो नीचे है यह है वाटर, जो गेंदे का फूल और पानी उबल कर भाप बनकर आया है। समझ में आ गया? तो आप इसे 1 दिन रखने के बाद में आपको एक बाल्टी लेना है और उस बाल्टी में इस आयल को डाल देना है, और बाल्टी के नीचे आपको एक टोटी लगा देना है। तो आप इस आयल को इसमें डालेंगे और 10 से 15 मिनट आप उसे वैसे ही छोड़ दें, और उसके बाद नीचे का आप टोटी खोलकर इसमें जितना भी वाटर है एक्स्ट्रा वो आप बाहर निकालेंगे, और आपका एक बढ़िया क्वालिटी का परफ्यूम बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आपको अगरबत्ती के लिए बनाना है तो आप इसमें DEPIL का यूज करेंगे, वो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जो अगरबत्ती का रॉ मटेरियल सेल करते हैं। समझ में आ गया? और अगर आपको इससे भी हाई क्वालिटी बनाना है तो आपको और भी आयल आता है, आप उससे बना सकते हैं, लेकिन आप अगरबत्ती के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप कितना भी हाई क्वालिटी का परफ्यूम बनाएंगे तरीका यही रहेगा, बस इसमें आयल आपको बदलना है। देखिए यह आयल है और इसमें खुशबू आ गया है। मैंने इसे थोड़े ही समय में खोल दिया ठंडे होने के बाद में, लेकिन आप इसे 1 दिन के लिए रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।